आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर ये बताना है कि इनमें से किस में इन्हें करेक्टली फिलअप किया गया है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस हमें दे रहे हैं, कह रहे हैं कि डैश पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पे नज़र डालेंगे तो पोलन ग्रेन्स का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन ही वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ मेल गैमेटोफाइट की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर हम अपने आंसर्स को देखें तो ए में या तो एंथर फिल कर रहे हैं ये, या माइक्रोस्पोर। तो एंथर तो यहाँ पे हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल में ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। फ्लावर का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, हमें मालूम है कि उसको हम स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन का ही जो ऊपर का हिस्सा होता है, स्टेमन का जो टर्मिनल बायलोब्ड पार्ट है, इसे एंथर कहा जाता है। इन एंथर्स के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, इसी के सेल्स आगे जाके पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। तो एंथर तो वो स्ट्रक्चर है फ्लावर का जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, लेकिन वो क्या है जो पोलन ग्रेन में डेवलप होता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे माइक्रोस्पोर है। तो हमारा यहाँ पे या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी आंसर होगा, जिसमें ए में माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स ही आगे जाके जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। इसके बाद में हमें पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आउटर लेयर को डैश कहते हैं, इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। तो जी पोलन ग्रेन के, तो ये करेक्ट बात है कि पोलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो अंदर की तरफ हमें एक थिन कंटिन्यूस लेयर मिलती है जिसको इंटाइन कहा जाता है, और बाहर हम देखेंगे कि एक्साइन नाम की हमें स्पोरोपोलेनिन नाम के एक एक्सट्रीमली ये रेजिस्टेंट सब्सटेंस की बनी हुई कंटिन्यूस टफ लेयर मिलती है। तो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, बहुत रेजिस्टेंट होती है, जबकि इनर लेयर थिन और कंटिन्यूस होती है। अब इनर लेयर के बारे में ही नेक्स्ट सेंटेंस हमें कह रहे हैं कि ये सेल्युलोस और डैश की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो काइटिन या पेक्टिन। तो सही आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, क्योंकि असल में प्रोटेक्शन का काम तो एक्साइन का होता है, हमारी जो इनर लेयर है इंटाइन है, ये सेल्युलोस और पेक्टिन की बनी हुई एक थिन लेयर है, इसका काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना नहीं होता है, इसीलिए काइटिन इसमें हमें नहीं मिलेगा। काइटिन तो काफ़ी एक टफ पॉलीसैकेराइड होता है, हमें इंटाइन में सेलुलोज के साथ पेक्टिन मिलता है। और लास्ट में हमें कह रहे हैं कि 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन कौन सी स्टेज पे शेड होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टू सेल की स्टेज पे। पोलन ग्रेन जब शेड होती है, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में हम यही देखते हैं कि उसमें हमें दो सेल मिलेंगे, एक होता है वेजिटेटिव सेल बड़े से साइज़ का, और दूसरा होता है हमारे पास जनरेटिव सेल जो कि आगे जाकर दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्योंकि पोलन ग्रेन के शेड होते समय हमें दो ही सेल्स इसमें ये ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस के बारे में फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ये सारे ब्लैंक्स करेक्टली फिलअप किए हुए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।